नाज़रीन, जापान से हुमायूं मुल्क आपकी खिदमत में आदाब अर्ज़ करता है। कल से मैं सुर संगीत की एक महफिल के जो है ना कुछ रिकॉर्ड्स हैं, क्लिप्स हैं, वो दिखा रहा था। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयाँ बहुत सारे कहने लगे, मुगल साहब सारी वीडियो को चढ़ा दे 2 घंटे की, हम उसको 2 घंटे को देखने, क्योंकि प्रोग्राम बहुत मज़े का था। मेरा ख्याल है कि वो काले खान भाग साहब इज़ वेरी फेमस, वो छा गए हैं यहाँ पे, उन्होंने बड़े इवेंट किए, मैं काफ़ी जगह पे गए। लेकिन आखिरी जो नाइट थी ना, उनकी आखिरी शाम थी, मेरा ख्याल है वो बड़ी अच्छी खूबसूरत शाम थी और बड़े लोगों ने उसको इन्जॉय किया। ख़ासतौर पर उसमें यह कि इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वो पीने पिलाने वाले दोस्त बहुत थे, और जब वो पीने पिलाने हो तो वही तो आपको पता वेले कराते हैं सर। और ये जो अपने काले खान भाग साहब कवाल है ना, ये पूरी दुनिया में घूमे होते हैं, और ये जो पीने वाले लोग होते हैं ना, उनके जज्बात को बड़ा अच्छा समझते हैं और उनकी दुखती रग को छेड़ते हैं वहीं से, और वो दौड़े से ही अपना दोहा शुरू कर देते हैं, दौड़े सुनाते हैं। पहले उनका दौड़ा मुझे एक बड़ा पसंद आया, कहते कि वो बागे विच फलियां ने, बागे विच फलियां ने, ओ मार के पुछ दाए सटा किथे किथे लगियां ने। तो कहता कि वो जो दिल दखे वाले हमारे पीने वाले लोग हैं ना, वो फिर वो वेल पे वाह वाह नारे भी लगा रहे होते हैं और वहाँ पे दिखा रहे होते हैं। लेकिन 2-4 जो वो ओवर ड्रिंक हो गए, जब तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, तो वो भी फिर अपनी शायरी से उनको कंट्रोल करते हैं। कहते हैं साखी ने जब पिलाई है बोतल शराब की, साखी ने जब पिलाई है बोतल शराब की, सांसों में मच गई है हलचल शराब की। तो एक बंदा उठे, कहता है मैं अपनी पलियों लेके आए हैं जनाब, वो अपनी बोतलें साथ लेके आए हुए थे। तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग एक माहौल था। तो मेरे दोस्त यार हैं, अब देखिए पीने वाले भी थे, लेकिन आप उनसे नफरत ना करें। देखिए उनका वो अपना ज़ाती मामला होता है, जो पीता है पिलाना है उसको इन्जॉय करने दें आप। तो पीने पिलाने से जो है ना कि दोस्ती ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो इन्जॉयमेंट कर रहे होते हैं। और फिर जो कलाम होता है, वो कलाम जो सिखाया जाता है, वो असल में देखा है कि रूहानी कलाम होता है। तो ख़ासतौर पर मैं आपको अपनी बात बताऊँगा, हम लोग तो, मैं तो बचपन से ही दरबारी मतलब ख़ानदान का बच्चा हूँ, पता है हमारे जो नाना है उनका दरबार है पिंडी में, और मेरे जो ख़ानदान के लोग हैं कलियाम शरीफ है, वहाँ तो कलियाम शरीफ दरबार पर आप जाएँगे तो वहाँ कवाली से ही काम शुरू होता है सारा। तो तकरीबन हर महीने 2-4 कवालियों के वहाँ के प्रोग्राम हुआ करते थे, मैं खुद वहाँ अटेंड करता रहा हूँ। तो बड़े अरसे बाद जापान में कवाली सुनना या इन लोगों को सुनना ना बड़ी हमारी खुशनसीबी की बात थी, और काले बाग साहब ने बड़ा अच्छा गाया। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इन्जॉय करें, और मैं एक क्लिप आपको दिखा रहा हूँ, एक एक दो दो कवालियाँ करके ना, 5-5, 10-10 मिनट की क्लिप, उसको इन्जॉय करें। क्योंकि यूट्यूब के अंदर कुछ उनका वो मसला है कि 10 मिनट से ज़्यादा आप नहीं चढ़ा सकते। तो मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो इन्जॉय करें काले खान भाग साहब। साकी ने जब पिलाई है बोतल शराब की, सांसों में मच गई है हलचल शराब की। ये आपको डेडिकेट कर रहा हूं, जो पी के बैग जाता है उसको निकाल दो, जो पी के बैग जाता है उसको निकाल दो। तोहीन कर रहा है ये पागल शराब, पी पी के झूम लेने तो हर किसी ना रोकी है, पी पी के ने झूम लेने तो हर किसी ना रोकी है, क्योंकि नगमा शराब का है ये महफिल शराब की। आज साकी इतनी पिला तुझे शाहे कसम, शाहे कसम तुझे कसम है शाहे अमीर की। आज साकी इतनी पिला तुझे कसम है शाहे अमीर की। शराब में तरती पीरे कश्ती फकीर की, ये जो हल्का हल्का
कोई दिल में जरूर रहता है।